Hello students, how are you? I hope all are well. Student, today I am going to start class 4th, chapter number 1st, building with bricks in our lectures number 2. Students, आज हम start करने वाले हैं lectures number 2, जिसके अंदर हम chapter number 1st देखेंगे. Now let us start. First of all, question number 8. Answer the following question based on the pictures given below. यहाँ पर देखिए बच्चों, आप लोगों को जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इस पिक्चर्स के अकॉर्डिंग दिए गए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे इसके अंदर क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है. ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखोगे, बीच पैटर्न इज मेड इन अ सर्कल. ओके, अब आपको यहाँ पर देखने की कौन सी जो पैटर्न है जो सर्कल में क्या हुई है, अरेंज की गई है, मीन सर्कल में बनाई गई है. ओके ना, आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सी जो पैटर्न है वो सर्कल में बच्चों क्या कही है, बनाई गई है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर आप लोगों को कौन सी पिक्चर्स ऐसी है जो नजर आ रही है सर्कल के बेस पे. तो डेफिनेटली आप देख पाओगे यहाँ पर एक आप लोगों को यहाँ पर ई, ठीक है, ई आप देख पा रहे होंगे कि सर्कल में जैसा आपको लग रहा है ना, और उसके बाद एक है आप लोगों का जे. ठीक है, तो ये भी आपको सर्कल का नजर आ रहा है. समझ में आ रहा है बच्चों? देखो, एक आपको नजर आ रहा है ई एंड सेकेंड आपको जे. तो यहाँ पर हम राइट करेंगे E एंड J. ओके बच्चों, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 2. इन विच पैटर्न्स मिरर हाल्व्स कैन बी सीन. ठीक है, यहाँ पे कहा है इन विच पैटर्न्स मिरर हाल्व्स कैन बी सीन. यहाँ पर कौन सी पैटर्न्स में जो हाफ जैसा जिसको हम बोलते हैं वो आपको शो कर रहा है. तो डेफिनेटली यहाँ पर देखिए H जो है वो हाफ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आप लिखोगे H. कंप्लीट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9. अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे बच्चों. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको देखो क्या दिया गया है, इस पर ध्यान दीजिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है यहाँ पर. व्हाट आर ब्रिक्स मेड ऑफ, पुट सर्कल अराउंड देम. आपको बताना है कि आपको ब्रिक्स किसकी बनी होती है उसके ऊपर आपको क्या करना है बच्चों, सर्कल करना है. तो डेफिनेटली जो आप लोगों का ब्रिक्स होता है वो किससे बना होता है, क्ले से. तो क्ले के ऊपर आप क्या करोगे, सर्कल करोगे. ओके, क्लियर. देन कम टू क्वेश्चन नंबर 10. सो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 10, एवरीवन लुक हियर. विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर नॉट यूज्ड टू मेक अ बोल, पुट सर्कल अराउंड देम. अब आपको देखना है यहाँ पर कि कौन सी ऐसी चीज है, मीन्स कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसे हम जब बोल प्रिपेयर करते हैं, जब हम लोग ब्रिक्स तैयार करते हैं बोल, तो यूज़ नहीं होता. ठीक है, बोल मीन्स होता है दीवाल. तो दीवाल प्रिपेयर करते टाइम वो आपके काम में आता नहीं है. तो बच्चों सभी को पहले तो पता होना चाहिए कि बोल प्रिपेयर करते समय आप लोगों को कौन सी चीज़ें यूज़ में आती है. ठीक है ना, तो जैसे कि यहाँ पर उसका आंसर हो जाएगा आपका प्लास्टिक्स, क्योंकि बोल प्रिपेयर करते टाइम हम प्लास्टिक का यूज़ नहीं करते. ओके बच्चों, क्लियर इतना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 11 आपको, मैच द फोटो ऑफ ईच वॉल विद द करेक्ट ड्राइंग पैटर्न बिलो. आपको क्या करना है बच्चों, तो यहाँ पर आप लोगों को जो मैचिंग है वो करना है, मतलब पिक्चर्स के साथ. तो यहाँ पर आपको देखना है कि इसकी वॉल जो है वो कहाँ आपको शो कर रही है. ठीक है, तो आप देख पाओगे यहाँ पर जो पिक्चर्स है एक दूसरे की. ठीक है, जैसे कि आप देखोगे लाइन से यहाँ पर देखो टू स्टेप्स है बेटा. तो यहाँ पर देखो टू स्टेप्स वाली लाइंस ओनली ये वाली है. तो आप यहाँ पर इसको मैच करोगे. ठीक है, कंप्लीट. यहाँ पर देखो यहाँ पर वन क्लिप छोड़कर है, तो वन वन यानी वन वन मीन्स ये वाला हो गया. तो इसके अलावा कुछ दिख रहा है आपको? नो बच्चों. ठीक है ना, बी का आपको कुछ दिख रहा है चेंजेस? चलो एक बार देख लेते हैं बी में कोई चेंजेस हो तो. वन सेकेंड्स, बी में कोई चेंजेस हो हम उसको देख लेते हैं कि बी में कुछ डिफरेंट तो नहीं है. ठीक है, बी में कुछ डिफरेंट तो नहीं है बच्चों. चलो देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सेम डायरेक्शन, यानी ये आप लोगों का इसका आंसर हो गया. ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड का. ठीक है, थर्ड मतलब सी. तो इसका देखिए ये जो सेम डायरेक्शन इससे मैच कर रहा है इसका. ठीक है, थर्ड का जो डायरेक्शन है
वो आप लोगों का किससे मैच कर रहे हैं बच्चों, तो डेफिनेटली आप लोगों का जो सेफ है, ठीक है, आप लोगों का जो सेफ है उससे क्या मैच कर रहा है वो अच्छे से पहले एक बार देख लीजिए इसको आप, ठीक है। चलिए तो थर्ड वाला जो लास्ट है वो इसी से मैच कर रहा है, तो आप लोगों का आंसर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए लिखा हुआ है मेक योर ओन जाली पैटर्न्स ऑन योर बोल्ट रोप बिलो। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को आपकी डिज़ाइन अकॉर्डिंग आपको जाली एक प्रिपेयर करनी है, वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो आपकी इच्छे के अनुसार, ठीक है। आप जो चाहो उसमें राइट कर सकते हो, या फिर मैं आपको प्रिपेयर करके बता दूँ वो एग्ज़ाम्पल। आपको अगर बनानी है बेटा जाली प्रिपेयर करनी है तो आप ऐसे भी प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। देखो ये हम लोगों ने जाली क्या कर ली प्रिपेयर, इसी टाइप्स की आपको बहुत सारी यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइन की ड्रॉ कर सकते हो, ओके। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 13 ड्रॉ जरोखा। तो बच्चा जरोखा का मतलब आपको पता होना चाहिए, जरोखा मतलब क्या होता है किसी को भी पता है? नो, जरोखा मतलब होता है विंडो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर विंडो की डिज़ाइन कोई भी क्या करनी है, ड्रॉ करनी है, ओके ना। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आया आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है ड्रॉ आर्चेस यूजिंग ब्रिक्स। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो इसके आर्चेस हैं, ठीक है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर जैसे आपका हाउस होता है उसका हाउस के आगे की डिज़ाइन होती है, उस तरीके का आपको क्या करना है यहाँ पर प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो देख सकते हो आप, मैंने स्क्रीन पर आप लोगों को बताया, उस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए लिखा ड्रो टू फ्लोर पैटर्न यूजिंग ब्रिक। आपको टू फ्लोर की कोई भी पैटर्न्स बनानी है, ठीक है, कोई भी पैटर्न्स बनानी है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो यहाँ पर अच्छे से डिज़ाइन क्या कर सकते हो बच्चों, प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए देखिए इसके अंदर, जैसे कि मैंने फर्स्ट में बनाया है और सेकेंड में बनाया है, तो ये दोनों डिज़ाइन आप लोगों को इसमें क्या करनी है, रेडी करनी है। एंड दैट इज़ ए कम टू नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक नाउ, पॉइंट्स टू रिमेंबर। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए पॉइंट्स टू रिमेंबर। हमको देखना है कि आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं इसमें लर्न रखनी है। तो चलिए मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख पाओगे यहाँ पर, ठीक है, सो ऑल स्टूडेंट्स नो, सारे बच्चे जानते होंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग का स्टार्टिंग किससे होती है बच्चों, वन से, देन आफ्टर टेंस, देन कम टू हंड्रेड, देन आफ्टर थाउजेंड्स, देन आफ्टर टेन थाउजेंड्स, ओके बच्चों क्लियर। तो यहाँ तक सभी बच्चों को ऑलमोस्ट क्लियर होना चाहिए, ओके। वंस मीन्स होता है कि कोई भी जब डिजिट होती है उसको हम वन से क्या करते हैं, इंटू करते हैं, ठीक है, वन से हम क्या करते हैं, उसे इंटू करते हैं। टेंस का मीन्स होता है कि कोई भी डिजिट होती है उसको हम टेन से क्या करते हैं, इंटू करते हैं। देन आफ्टर हंड्रेड, सो हंड्रेड मीन्स आप उसको हंड्रेड से इंटू करते हैं, इंटू मीन्स मल्टीप्लाई। देन थाउजेंड्स में आप लोग थाउजेंड से मल्टीप्लाई करते हैं, टेन थाउजेंड में आप टेन थाउजेंड, दैट मीन्स टोटल फोर जीरो से मल्टीप्लाई करोगे कोई भी जो डिजिट हो। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पॉइंट्स रिमेंबर वाले देखने हैं। पॉइंट्स रिमेंबर में देखिए क्या दिया गया है आप लोगों को, ठीक है, पॉइंट्स रिमेंबर में आप लोगों को देखिए क्या दिया गया है। उसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ देख पा रहे होंगे आप लोगों, ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे शो कर रहा होगा किस प्रकार से पॉइंट्स टू रिमेंबर आप लोगों को लर्न रखने हैं, ओके। तो जैसे कि इसके अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है बच्चों, इसके अंदर सबसे पहले लिखा है पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको कौन कौन से पॉइंट जो हैं इसमें लर्न रखने हैं। सो आइडेंटिफिकेशन इसकी देखनी है आपको, यहाँ पर देखिए वन प्लेस पर कितना है बच्चों, नाइन, टेन प्लेस पर नाइन, देन आफ्टर हंड्रेड प्लेस पर नाइन, थाउजेंड प्लेस पर नाइन, एंड देन आफ्टर टेन थाउजेंड के प्लेस पर नाइन है। तो दैट इज़ वेरी इजी, हम स्टार्ट करेंगे अगेन टाइम।
देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग यहाँ से हुई है बच्चों, ठीक है। तो देखिए मैंने जस्ट अभी आपको बताया था ऐसे ऐसे अकॉर्डिंग फिगर, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग यहाँ से की उन्होंने 9, तो 9 के ऊपर क्या लिखा था 1000, तो देखिए उसको 1000 से मल्टीप्लाई देखो, 9 टाइम्स 1000 इज इक्वल टू 90,000। दैट मीन्स यहाँ पर क्या किया गया है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर 10,000 की जगह पर क्या है 9, ठीक है। तो देखो 10,000 को जब आप 10,000 को जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 90,000, ठीक है। एज इट इज़ वही प्रोसेस यहाँ पर की है। देन आफ्टर 9 टाइम्स ऑफ 1000, अब 1000 जो है वो 9 टाइम्स है, तो 9,000 हो जाएगा इसका। 9 टाइम्स ऑफ 100 भी देखो कितने टाइम्स है, तो 9 टाइम्स तो 100 आपको पता है 100 से मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स हो गया आपका 90। देन कम 9 जो है टेंस में, वो भी 9 टाइम्स है, दैट इज 90 हो गया। एंड वंस जो है वो भी 9 टाइम्स है, तो वो आपका कितना हो जाएगा बच्चों, तो आपका 9 होगा। आप अगर इस सबको प्लस करोगे बच्चों तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 99,999। अब इसको आपको इस तरीके के में फिल करना है, जैसे एज इट इज़ यहाँ पर देखो फर्स्ट ब्लॉक होता है उसे हम वंस लिखेंगे, देन सेकेंड टेंस, थर्ड 100, 4000 एंड 5 10,000। आप वंस की जगह पे कितना पुट करोगे 9, तो यहाँ पर आपको 9 जो है वो बोल्स जो होती है वो आपको राइट करनी है। देन टेंस में कितना है बच्चों, तो टेंस में भी 9 है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो यहाँ पर भी आप 9 क्या करोगे पुट करोगे। देन आफ्टर 100 में भी 9 है बच्चों, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड देन आफ्टर 1000, सो 1000 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1000 में भी आपकी 9 है। देन आफ्टर 10,000, सो 10,000 में आप देख पाओगे 10,000 में भी कितने 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसे आपको यहाँ पर राइट करना है, देखिए वंस की जगह पे 9 तो यहाँ पे राइट कीजिए 9, टेंस की जगह पे 9 तो यहाँ पे राइट कीजिए 100 की जगह पे। अब देखिए जब 100 का पोर्शन पूरा होता है 1000 का आता है, तो इसमें आपको कॉमा राइट करना होता है। अब इसे आप रीड कर सकते हो, देखो लिखा है 99,000, कितना 99,000, कैसे रीड करेंगे वन सेकेंड देखिए, वंस 10 100 1000 10,000। अब देखो 10,000 की जगह 99 दिया हुआ है, तो 99,000, देन आफ्टर वंस 10 100 100 की जगह 9 दिया है, तो 900 900, एंड देन आफ्टर वंस 10 10s की जगह दिया 99, तो लिखेंगे 99, दैट इज इजी। इज इट क्लियर? चलो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग फिर से। क्वेश्चंस नंबर आप लोगों को दिया है 10 नंबर का, तो यहाँ पर भी देखिए क्या किया गया है, तो यहाँ पर ऐड करना है आपको, यहाँ पर देखो क्या राइट है, एडिंग 1 in 9999, मतलब आपने वो 99 था उसमें 1 ऐड किया। तो देखिए यहाँ पर कौन से प्लेस पर 1 लिखा हुआ है, देखो वंस की जगह पर 0, तो एज इट इज सब में 0 आएगा, लेकिन लेग्स की जगह पर 1 है, तो लेग्स का मतलब होता है वहाँ पर जितने 0 से उतने मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो वंस में आपको कुछ भी नहीं ड्रॉ करना है, इसी में ड्रॉ करना है, लेकिन वो लेक की जगह पे कितना ड्रॉ करना है 1, दैट मीन्स आप लोगों का कितना हो गया 1 लेक, तो यहाँ पर 1 लेक हो गया। एंड देन आफ्टर वेरी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इट इज आल्सो कोल्ड 100,000, इसे हम 100,000 के नाम से जानते हैं। वन डिजिट, अब देखो वन डिजिट का नंबर देखना है, वन डिजिट में सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर होता है वो होता है 1, एंड सबसे हाईएस्ट नंबर होता है वो होता है 9। आपको याद रखना है स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 1 से स्टार्ट होती है, एंड ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो 9 से स्टार्ट होती है। देन आफ्टर टू डिजिट, सो 1 आफ्टर पुट 0, एंड देन ग्रेटेस्ट, सो दिस इज द सेम डबल 9। थ्री डिजिट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट 1, एंड देन आफ्टर 2 जीरोस, आफ्टर ऑल 3 9। फोर डिजिट 1 एंड 3 जीरोस इंटू 4 9s। फाइव डिजिट का देखेंगे हम स्मॉलेस्ट नंबर, तो 1 लिख के 4 जीरोस लगाएंगे, एंड आप यहाँ पर हाईएस्ट में या ग्रेटेस्ट में आप 5 times 9 लगाओगे। सिक्स डिजिट में 1 एंड 5 जीरोस,
and इधर 9 times 6 times 9. ओके कंप्लीट. सो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर रहे हैं. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.